गाइस अभी हम हैं भवानीपटना में, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम भवानीपटना। तो गाइस आज का प्रोग्राम मैं बता दूं, आज हम जा रहे हैं कोरापुट, और कोरापुट में काफ़ी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज का जो हमारा स्टे रहेगा वो भी कोरापुट में ही रहेगा, और बस अभी नहा धो के तैयार हो गए हैं, मीत भाई मैं दोनों तैयार हो चुके हैं, बस अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करके और बाइक पे सामान ला के सीधा अब निकल लेंगे। वी आर रेडी टू राइड, और ये मीत बाजी रेडी हैं, बाइक रेडी हैं। अभी पुरली दरद वाटरफॉल जा रहे हैं अभी हम, और उसके बाद कोरापुट जाएंगे, और आज से हमारा कोरापुट में है, और वहीं के लोकल जितने भी साइट्स हैं ना वो देखेंगे। मेरी बाइक रेडी है, ये देखिए बिल्कुल पूरा सामान पैक्ड है, तो अब हम सीधे निकल के जा रहे हैं फुरली झरन वाटरफॉल, जो भवानीपटना का बेस्ट वाटरफॉल है और यहाँ का लोकल साइट सीन है, जो सबसे ज़्यादा लोग यहीं फुरली झरन वाटरफॉल पिकनिक मनाने जाते हैं, तो यहाँ तक आए तो हम ज़रूर जाएंगे यहाँ पे। ये था होटल रॉयल मिड टाउन, तो यहाँ से 17 किलोमीटर दिखा रहा है और 27 मिनट का समय लगेगा हमें। तो गाइस हमारी आज की राइड का डे 4 है, और हम हैं भवानीपटना में, उड़ीसा में। तो कल हम पहुँच गए थे उड़ीसा आरंग छत्तीसगढ़ से, तो कल हमने एक्सप्लोर किया डैम को, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डैम है। तो इसके अलावा हमने हुमा टेंपल देखा, जो कि लेनिन टेंपल है, वर्ल्ड में केवल दो ही हैं। तो आई होप सो आपको पिछले ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो अगर अभी तक आपने पिछले ब्लॉग नहीं देखे तो प्लीज़ लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये है कोरापुट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरापुट सेंचुरी, और यहाँ पे हाथी भी पाए जाते हैं और तेंदुआ भी पाया जाता है। ये पूरा जंगल एरिया है यार, और बहुत ही मज़ा आता है कि बाइक चलाने में जंगल के अंदर से यार। बस हम पहुँचने वाले हैं फुरली झरन वाटरफॉल का, ये गेट आ गया है सामने। ये बाइक कहाँ पार करें, बाइक इधर ही है? हाँ है, बनाता है कि? हिंदी हिंदी, दिल्ली से आए यार। तुम उड़ीसा का बनाते? मैं भी हिंदी का बनाता हूँ, लेकिन ओडिया हूँ, लेकिन मैं अर्निंग के रिलेटेड। अच्छा अच्छा, मेरा चैनल है अर्निंग। अर्निंग, तो भाई का चैनल है अर्निंग दुनिया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर उड़ीसा के बारे में जानना है तो। तो मेरा चैनल है एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया, हम पूरा इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, लाखों में है। वाह बढ़िया यार, अभी तो हमारा था थोड़े है, हमारे तो अभी हजारों में है अभी तो हमारे। तो गाइस अभी हम आए हैं फुरली झरन वाटरफॉल देखने, ये पीछे एंट्री गेट है, और ये कोरापुट जो जंगल है, फॉरेस्ट रेंज है, उसके अंदर आता है। तो अब हम अंदर जा रहे हैं वाटरफॉल को देखने, यहाँ का सबसे फेमस वाटरफॉल यही है। अगर आप भवानीपटना आते हैं तो जितना भी फेमस प्लेसेस है सबसे बेस्ट यही है, तो हम इसको एक्सप्लोर करके आज फिर आगे निकल जाएंगे कोरापुट के लिए। तो गाइस हम लगभग पहुंच गए हैं, ये मेरे पीछे हैं भोले बाबा, और भोले बाबा भगत, तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। और ये देखिए मेरे पीछे वाटरफॉल, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, ये देखिए सामने, और व्यू दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ का, ये देखिए पीछे, देखिए पीछे का नज़ारा तो और भी ख़तरनाक है। ये देखिए पूरा जंगल है एरिया ये, और ये वाटरफॉल गिरता हुआ पीछे। तो फुरली झरन वाटरफॉल को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, और हम सीधे आ गए हैं अपनी पार्किंग पे, या हमारी बाइक्स ये दोनों
मीत भाई की और मेरी बाइक खड़ी है। तो अब हम निकल रहे हैं कोरापुट के लिए, और कोरापुट का डिस्टेंस है लगभग 200 प्लस किलोमीटर है, और 4 आवर गूगल बता रहा है, लेकिन हम उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। तो आज हम स्टे करेंगे, मिस्टर सोनू है कोरापुट में, जो अभिजीत का फ्रेंड है। अभी तक तो यही कंफर्म है कि सोनू के घर पे स्टे है। लोकल एक्सपीरियंस दिखाएंगे आपको, तो वो हमारा एक लोकल एक्सपीरियंस होगा, तो आप भी देख पाएंगे कि लोकल उड़ीसा में कैसा कल्चर है, कैसा खाना पीना है, तो ये चीज़ें हम सारा शेयर करेंगे आपसे। तो आप चलते हैं कोरापुट के लिए। कोरापुट सेंचुरी रेंज यहाँ पे ख़त्म होती है, और हमने एक्सप्लोर कर लिया है फुरली झरन वाटरफॉल। गाइस अभी कोरापुट वाले हाईवे पे हम पहुंच गए हैं, तो 3:30 तक हम मैक्सिमम पहुंच जाएंगे कोरापुट हाईवे, अगर हमें बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा मिला तो। तो गाइस हम पहुंच गए हैं जूनागढ़, और जूनागढ़ है उड़ीसा में, और भवानी पटना से लगभग 30-40 किलोमीटर के बाद पड़ता है कोरापुट के रास्ते पे। जूनागढ़ है उड़ीसा वाला, ना कि गुजरात का जूनागढ़ है। थैंक्स फॉर विजिट काला हांडी नबरंगपुर जयपुर कोरापुट। कोरापुट अभी गाइस 108 किलोमीटर रह गया है। आ गया सोनू का फोन, आ गया। हाँ thank god that the brothers on the rise now endless celebrations all at my house levitating now I'm super duper fly now let them boy but the एक और मंदिर देखिए, इस तरह के काफी मंदिर मिलते हैं ये। तो गाइस 1:43 टाइम हो चुका है, विद इन 1 आवर हम पहुंच जाएंगे कोरापुट सोनू भाई के पास। ये रिवर है इंद्रावती, और यहाँ पे भी माइनिंग का काम चल रहा है काफ़ी। इंद्रावती रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, और ये रास्ता देखिए, व्यू काफ़ी अलग अलग है। ये इस तरफ पेड़, पहाड़, छोटे छोटे पहाड़। तो गाइस हम जयपुर में पहुंच गए हैं, ये है जयपुर। 44 किलोमीटर कोरापुट और रह गया है डिस्टेंस जो हमने कवर करना है। लीजिए एक और शादी का मजा, ये देखिए टेंट सजा हुआ है, लग रहा है आजकल साए चल रहे हैं शादी के, काफ़ी शादी हो रही है। बोरीपुट आ गया है बोरीपुट, और हमने जाना है कोरापुट। ये सब हिल एरिया है सारा, ये देखिए सामने डैम है, कोई बैराकोट है जगह, वहाँ पे डैम है, और ये देखिए पहाड़ी, ये ऐसे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। सोनू भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, आप सोने के घर जा रहे हैं, और ये बहुत ही ओल्ड, ये देखिए बहुत पुराना। तो गाइस अभी हम हैं सोनू भाई के घर पे, अभी कर रहे हैं हम लंच, क्योंकि अभी जो समय हुआ है 3:30 बज चुके हैं। तो हम 12 बजे चले थे ना वहाँ से, 12 बजे चले थे, और 3:30 बजे पहुँच गए थे, 3 घंटे में 210 किलोमीटर हमने कवर किया। तो आज हम कोरापुट में आसपास जो भी प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करेंगे, और कल भी शायद हम अराकू वैली जाएंगे। आंध्र प्रदेश यहाँ से जस्ट 100 किलोमीटर है, इतना नज़दीक आके हम छोड़ना नहीं चाहते अराकू वैली, तो पहले कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम हैं कोरापुट में, और यहाँ की ये लोकल मार्केट है दोनों तरफ देखिए, और देखने जा रहे हैं अभी यहाँ का मंदिर, फेमस मंदिर है यहाँ पे। ये कोरापुट काफ़ी बड़ा टाउन है, तो ये कोरापुट का फेमस मंदिर है यहाँ। सोनू भाई हमें लेके जा रहे हैं सामने, मीत भाई के साथ बैठे हैं सोनू भाई, और ये है मंदिर का रास्ता, और ये रहा वो मंदिर,
जो नीचे से दिखाई दे रहा था। कौन सा मंदिर है ये? जगन्नाथ पुरी के मंदिर जाने से पहले आपको यहाँ आना होता है। अच्छा, पुरी का नाम अपना एक्चुअल में पूरा कोरापुट का मंदिर है ये। सेकंड जगन्नाथ मंदिर है पुरी के बाद। अच्छा, पुरी के बाद। और जब रथ यात्रा होता है ना फेस्टिवल, तो यहाँ पर भगवान को लाते हैं, यहाँ पर नहाते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहाते हैं। अच्छा अच्छा, तो गाइज हमने जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर लिए हैं और भगवान जगन्नाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो ये है कोरापुट का जगन्नाथ टेंपल। कुछ समय बाद हम देखेंगे पुरी का जगन्नाथ टेंपल, जो कि वर्ल्ड फेमस टेंपल है। तो यहाँ भी सेम उसी तरह सब रथ यात्रा सब कुछ होती है यहाँ पे भी। तो अभी अभी कहाँ जाएंगे? सनसेट पॉइंट। तो टेबल माउंटेन जा रहे हैं। सनसेट पॉइंट है वो, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड जगह है जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। देखिए, इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि यहाँ तक बाहर तक लाइन लगती है। ये देखिए, लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ पूरे गोले बना रखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट देखने। ये देखिए, सीक्रेट जगह पे जा रहे हैं सनसेट देखने। और ये कितनी खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रही है भाई। लेके आया कह रहा जी, मैं सीक्रेट जगह पे लेके जा रहा हूँ आपको सनसेट देखाने। और आज हम कर रहे हैं ऑफ रोडिंग। ओहो, क्या नज़ारा है यहाँ से, बहुत ही शानदार नज़ारा है। यही तो है मज़ा बाइकिंग का। तेरी तो बहुत ही शानदार ऑफ रोडिंग की है आज हमने, बहुत बड़ी। तो गाइस हम कोरापुट की ऊंची माउंटेन पे आए हैं और यहाँ से चारों तरफ का व्यू बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं डैम का पानी है यहाँ भी, और मेरे पीछे भी डैम का पूरा पानी है और सनसेट होता हुआ। और इस तरफ है कोरापुट सिटी, ये आपको पीछे नज़र आ रही होगी। और मेरे बैक साइड पर है रेलवे ट्रैक है, पीछे अभी रेल गुजरी, मैंने थोड़ा कैप्चर किया है। तो ये चारों तरफ का व्यू बहुत ही शानदार है। तो गाइस अब हम वापसी जा रहे हैं कोरापुट में, और ये व्यू बहुत ही शानदार व्यू था यार। वैसे तो हम वहाँ भी जा सकते थे टावर के पास ऊंचाई में, तो भाई यहाँ सोनू भाई यहाँ पे लेके आए हैं। तो गाइस ये है जगन्नाथ टेंपल नाइट व्यू, और हमने इसके दर्शन किए थे। ये ऊपर तक जाती है सीढ़ियाँ। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं कोरापुट की मेन मार्केट। ये हम मेन मार्केट के अंदर से होके जा रहे हैं। सब्जी, बर्तन, जूते, चप्पल, सब कुछ जैसे आम मार्केट होती है वैसे ही है। तो गाइज अभी हम हैं सोनू के घर पे, पूरे 10 बज चुके हैं और डिनर टाइम है। अब हम ये खा रहे हैं उड़ीसा का लोकल फूड, खीर का चावल नहीं ये तो। और मैं दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या खा रहे हैं। और ये खीरी का नाम भी खीरी नहीं, अलग। तो गाइस ये है हमारा आज का लोकल बेड, लोकल बेड। एंड आज हम अपनी पीठ सीधी करने वाले हैं क्योंकि हम बाइक चला चला के थक गए हैं, तो आज हमारी पीठें सीधी हो जाएंगी। एंड टुमारो विल बी फ्रेश फॉर राकू। तो ये हमारा सोने का कमरा है और बेड है, इतनी जगह है, खुल के सोना है हमने। तो दोस्तों आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज एक कमेंट जरूर करना। और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम एंड जय हिंद। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए भी तैयार करना है, कल हम जाएंगे अराकू वैली।